श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी आनंद श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन, चेतन आत्मा को शरीर का बंधन। धर्म प्रिय सज्जनों, ग्रंथों के पाठ में जो विषय है उस विषय से कोई विशेष बात कहे संभव नहीं। हाँ, कहीं कहीं ग्रंथों के वचनों का कुछ बोध दिलाना व उस पर प्रकाश डालना हो सकता है। संतों के वचन तो आप ही साफ हैं, दूसरे क्या साफ कर सकते हैं। हम लोग बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटने के लिए वेद उपनिषद और संत वाणियों में उपदेश वर्णन है। चेतन आत्मा को शरीर का बंधन, इंद्रियों का बंधन है ही, फिर संसार का बंधन, मन की अनेक इच्छाओं का बंधन, संसार के पदार्थ और सरोकारी सभी बंधन है। इनसे छूटना मोक्ष है। इस मोक्ष लाभ करने का उपदेश संतों ने दिया है। वे कहते हैं परमात्मा पर कोई बंधन नहीं है। जो भक्ति की चरम सीमा को खत्म कर चुके हैं वे परमात्मा की तरह निर्बंध हैं। उस परमात्मा को प्राप्त कर सभी जन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को लगाना बंधनों से छूटने का यत्न है। ईश्वर माया से पड़े हैं। माया के अंदर सात्विक, राजस और तामस तीनों तरह के कर्म होते हैं। ये ही शत, रज, तम तमाम संसार में है। सात्विक कर्म शुभ कर्म व पुण्य कर्म करने को कहते हैं। कुछ भले कर्म और कुछ बुरे कर्म मिलाकर कर्म करते हैं, यह राजस है। आलस में पड़ा रहना, बिना सोचे समझे कर्म करना तामस कर्म है। इन तीनों प्रकार के कर्मों के फल का वेद में वर्णन है। उदुत्तमम वरुण पाशमश्मवद वादमम वि मध्यमम श्राय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये श्याम। अर्थात हे परमेश्वर, तू उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निकृष्ट तामस बंधन को नीचे की जीव योनियों में भेजकर शिथिल करता है। उन सब भोगों के अनंतर हे शरण में लेने हारे, ए सूर्य के समान प्रकाशक, हम तेरे दिखाए कर्तव्य कर्म में चलकर अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निष्पाप स्वच्छ हो जाते हैं। जो कोई सात्विक कर्म को इच्छा रहित होकर करेगा वह भजन अच्छी तरह करेगा और अंत में ईश्वर को प्राप्त कर मोक्ष पावेगा। जो शरीर इंद्रियों से जानो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तुम्हारे निकट है लेकिन तुमको दूर मालूम होता है। है तेरे है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। शरीर इंद्री चेतन आत्मा के ऊपर आवरण है। जैसे आंख की पुतली के ऊपर कोई आवरण आ जाता है तो उसको सूझता नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन कर आंख की पुतली पर का आवरण हटा देते हैं तब सूझने लगता है। इसी तरह साधना द्वारा चेतन आत्मा के ऊपर से शरीर इंद्रिय रूप आवरण के हटने पर ईश्वर दर्शन होता है। बाह्य उपासना से ही भक्ति का काम समाप्त हो जाएगा ऐसा विश्वास मत करो। भक्ति के स्थूल विषय में रह जाना उसके आगे सूक्ष्म को नहीं पकड़ने वाले का ज्ञान संकुचित है, अभी विकसित नहीं हुआ है ऐसा कहा जाएगा। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भक्तियों को जानो। सगुण निर्गुण के परे जाकर ईश्वर का साक्षात करो, तब सभी बंधन छूटेंगे
और ईश्वर दर्शन होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित संत मत सत्संग आश्रम मोहल्ला कानून गोयान में दिनांक 3/10/1963 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।